अ वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, आज के सेशन में जो हम लोग बात करने जा रहे हैं स्टीम के बारे में, स्टीम से रिलेटेड आज के सेशन में हम लोग डिटेल बात करेंगे। तो स्टीम जो है वो प्लांट मॉर्फोलॉजी हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, मॉर्फोलॉजी। तो मॉर्फोलॉजी में हम लोगों को क्या पढ़ना होता है, रूट के बारे में, स्टीम के बारे में और लीफ के बारे में, फ्लावर के बारे में, फ्रूट्स के बारे में, सीड्स के बारे में, जिसमें हम लोग रूट के बारे में पढ़ चुके हैं। और आज के सेशन में हम लोग जो बात करने जा रहे हैं किसके बारे में, स्टेम के बारे में। स्टेम से रिलेटेड हम लोग आज के सेशन में बात करेंगे। बच्चों, स्टेम से रिलेटेड जो आज के सेशन में हम लोग बात करें, तो स्टेम जो होता है, हम लोग हेडिंग क्या दे देते हैं, स्टेम। इसी से रिलेटेड बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि सर स्टेम क्या है, स्टेम क्या है। तो आप लिख सकते हो इस तरह से, स्टेम क्या होता है, स्टेम जो होता है ना, ये एक्सियल ऑर्गेन होता है। किसका, शूट का। स्टेम इज एन एक्सियल ऑर्गेन ऑफ शूट। तो आप इसी चीज को लिख सकते हो कि स्टेम बोल रहे हैं तो द स्टेम इज एन एक्सियल ऑर्गेन ऑफ सूट। जो हम लोग सूट बोलते हैं, रूट सूट, तो सूट क्या है, एक्सियल ऑर्गेन ऑफ सूट। जो स्टेम है वो क्या है, तो एक्सियल ऑर्गेन ऑफ सूट होता है बच्चों। नहीं, अब ये है कि सूट कहां से बना भाई, तो उससे रिलेटेड बात जो हम लोग करेंगे, तो ये रियल में स्टेम जो है इसमें हम लोग दो बात करेंगे। एक बात करेंगे स्ट्रक्चर पे और दूसरा जो हम लोग पढ़ेंगे इसमें मॉडिफिकेशन पे। तो एक बात हम लोग करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम और दूसरा क्या बात करेंगे, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम से रिलेटेड बात करेंगे बच्चों। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करें, स्ट्रक्चर, तो आपको मैं एकदम जीरो पे ले चलता हूं और वहां से स्ट्रक्चर की बात हम लोग करते हैं। बच्चों, आप लोग चना तो देखे होंगे, ये मान लो चना है। इस चना को अगर हम लोग पानी में भिगो दें, मॉइस्चर दे दें, बोले तो वाटर दे दें, ऑक्सीजन सप्लाई कर दें, तो ये चना आप लोग देखोगे इस तरह से, तो ये जर्मिनेट करना स्टार्ट कर देता है। चना में गौर से देखोगे तो इस तरह से क्या होता है, जर्मिनेशन, इस तरह से जर्मिनेट करना स्टार्ट कर। आप क्या करो, इस चने को, ये जो चना है उसका ऊपर का जो लेयर है, कवर जो होता है उसको हटा दो, टेस्टा। उस कवर को क्या बोलते हैं हम लोग बच्चों, टेस्टा। टेस्टा को आप हटा दो और देन चना को इस तरह से फाड़ो और फाड़ के जब देखोगे तो उसमें आपको इस तरह का स्ट्रक्चर दिखेगा, इस तरह का स्ट्रक्चर आपको दिखेगा। और ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, कॉटेलिडन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉटेलिडन। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, कॉटेलिडन। चना का ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखता है ये कॉटेलिडन कहलाता है बच्चों। प्लस क्या है, इसी से एक ऊपर की ओर इस तरह से निकला हुआ दिखेगा आपको और एक नीचे की ओर इस तरह से निकला हुआ दिखेगा। अब जो ऊपर की ओर निकला है, ऊपर की ओर जो निकला हुआ है और जो नीचे की ओर निकला हुआ है, तो दोनों का अलग अलग नाम होता है। ऊपर की ओर जो निकला हुआ है आप उसको क्या बोलोगे, ये जो है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, प्लूमूल। प्लूमूल यही है। और जो नीचे की ओर है इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, रेडिकल। क्या बोलेंगे, रेडिकल। रेडिकल यही है बच्चों। रूट सिस्टम से रिलेटेड जो भी बात हम लोग किए थे वो सब का सब रेडिकल से ओरिजिन होता है। और जो अब हम लोग बात कर रहे हैं सूट सिस्टम से रिलेटेड बात, और उसी सूट सिस्टम में स्टेम, वो किससे ओरिजिन होगा, वो प्लूमूल से ओरिजिन होगा। वो किससे ओरिजिन होगा, तो ये प्लूमूल से ओरिजिन होगा बच्चों। लेकिन एक आध बात और यहां पे हम लोग कर लेते हैं, ये कॉटेलिडन से, देखो कॉटेलिडन यहां पे है,
इससे ऊपर का पार्ट ये जो है इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, ईपी। ईपी मतलब होता है अपॉन, या ऊपर के सेंस में यूज होता है। तो ईपी कोटाइल, इसको क्या बोला जाता है, ईपी, ईपी कोटाइल बोलते हैं। और जो नीचे वाला पार्ट है इसको हम लोग क्या बोल देते हैं बच्चों, हाइपो। हाइपो मतलब क्या होता है, कम या नीचे के सेंस में हाइपो टर्म यूज होता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं हाइपो कोटाइल, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइपो कोटाइल। ये हाइपो कोटाइल है। तो ये जो ईपी कोटाइल है, जो प्लूमूल वाला पार्ट है, ऊपर का जो पार्ट है, ये वाला पार्ट प्लूमूल का जो हम लोग बात करने जा रहे हैं, ये वाला, ये पार्ट, तो इसी पार्ट से पूरा का पूरा स्टेम निकल के आएगा। जो हम लोग बात करने जा रहे हैं स्टेम का, वो इसी से निकल के आएगा। तो हम लोग जो स्टेम की बात करते हैं, हम लोग जो स्टेम से रिलेटेड बात करेंगे, तो मैं बता दूं आपको, यही ईपी कोटाइल जो है, यही क्या, या प्लूमूल की जो बात करते हैं, यही क्या बनाएगा बच्चों, यही प्लूमूल स्टेम बनाएगा। यही प्लूमूल क्या बनाएगा, स्टेम। तो मैं अगर फिगर बनाऊं, मैं फिगर बनाऊं, तो आपको अच्छे से पता है कि ये अगर सॉइल है, तो सॉइल से ऊपर का पार्ट, और ये क्या हो जाता है, सॉइल से नीचे का पार्ट। तो एक होता है सॉइल के ऊपर का पार्ट, और दूसरा क्या मैं बता रहा हूं, सॉइल के नीचे का पार्ट। तो सॉइल से, सॉइल जो बात हम लोग कर रहे हैं, उससे नीचे का पार्ट जो है, तो ये तो रूट सिस्टम कहलाता है, जो आप लोग पढ़ चुके हो। अब मैं बता चुका हूं इस तरह से जो ब्रांचेज निकलेगा, तो एक होगा ये प्राइमरी रूट, फिर उसके बाद सेकेंडरी रूट निकाला, फिर उसके रूट हेयर सब इस तरह से रहेगा इसमें, नहीं ये सब इस तरह से निकला हुआ रहेगा। तो यही सबको मिला के हम लोग क्या बोल देते हैं बच्चों, रूट सिस्टम। इसको क्या बोला जाता है, रूट का सिस्टम है, जिसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आज किसके बारे में बात कर रहे हैं, सूट सिस्टम। ऊपर का जो है, जो ऊपर का पार्ट है, जो प्लूमूल बनाने का काम करेगा, तो सूट सिस्टम। तो ऊपर का पार्ट जो होगा, आपको अच्छे से पता है, ये जो मैं लाइनिंग दे रहा हूँ, ये क्या बना रहा हूँ, नोड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, नोड। ये सब क्या है, नोड है, नोडल रीजन कहलाता है। तो आप लिख भी सकते हो इसको, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये नोड है, ये भी क्या होगा, नोड है, ये दो नोड है। और दो नोड के बीच का पार्ट क्या कहलाता है, इंटर नोड। दो नोड के बीच का पार्ट क्या कहलाएगा, इंटर नोड। तो नोड और इंटर नोड इस तरह से। और यही नोडल रीजन से फिर निकल के ब्रांचेस सब आता है इस तरह से। मान लो ब्रांचेज है, तो ये जो ब्रांच अगर निकल के आएगा, तो इस पे भी नोड होगा, इस तरह से नोड सब होगा। और इसी ब्रांचेज से कोई एक निकल के आएगा इस तरह से, और यहीं पे लीफ की हम लोग बात करने लग जाते हैं। ये क्या है, लीफ। तो ब्रांच से जो निकल के आया ये वाला डंठल वाला पार्ट, ये जो डंठल वाला पार्ट है, इस ये क्या कहलाता है बच्चों, पेट्योल। नहीं, पेट्योल, PETIOLE, पेट्योल। ये क्या कहलाता है, पेट्योल। और प्लस ये जो पूरा लीफ है, तो लीफ का ये वाला मार्जिन जो वाला जो पार्ट है, ये क्या कहलाता है, लीफ ब्लेड। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं बच्चों, लीफ है तो लीफ, लेकिन उसका हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लेड। ये लीफ ब्लेड होता है। तो पेट्योल हो गया, लीफ ब्लेड हो गया बच्चों। लीफ जहां से निकलता है, लीफ जहां से निकलता है, तो वहां पे एक होता है ऑक्सिलरी बड प्रेजेंट रहता है, नहीं तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक ऑक्सिलरी बड, इसको हम लोग बोलते हैं, ये क्या है, ऑक्सिलरी बड मौजूद होता है बच्चों। तो ये ऑक्सिलरी बड हो गया। तो ये जो ऊपर का पार्ट है, ऊपर का पार्ट, ये सब क्या कहलाता है, सूट सिस्टम। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, शूट सिस्टम। तो ऊपर का पार्ट हम लोग जो बात करते हैं, ये क्या हो गया, शूट सिस्टम हो गया। और नीचे का पार्ट क्या हो गया, रूट सिस्टम। तो जरा गौर करो, सॉइल से ऊपर, और एक क्या है, सॉइल से नीचे। सॉइल से ऊपर और सॉइल से नीचे की हम लोग बात कर रहे हैं बच्चों। तो सॉइल से नीचे जो होता है जनरली वो रूट होता है, और सॉइल से ऊपर जो है वो शूट होता है। सॉइल से नीचे जो जाता है, अगर रूट की बात करें, तो ये नीचे इस तरह से जाएगा, अर्थ के टुवार्ड्स जा रहा है, तो इसको बोलता है पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म।
जियो मतलब अर्थ, और सूट जो है अगर गौर करके देखो तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसको क्या बोलता है, निगेटिव जियोट्रॉपिज्म। नहीं तो एक हो गया पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म, वो रूट शो करता है, लेकिन सूट क्या है, अर्थ से ऊपर जा रहा है, ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं कि निगेटिव जियोट्रॉपिज्म बोला जाता है, निगेटिव जियोट्रॉपिज्म हम लोग बोल देते हैं बच्चों। तो बच्चों जो सूट है या स्टेम की जो हम लोग बात कर रहे हैं, तो स्टेम का पहचान है नोड और इंटर नोड का होना, नोडल रीजन होगा, इंटर नोड होगा, तभी जाके हम लोग इसको क्या बोलेंगे, स्टेम। वो स्टेम का पहचान होता है नोड और इंटर नोड का होना। दूसरा बात, जो एक्सिलरी वर्ड के बारे में हम लोग बात किए, इसमें भी ढेर सारा बात हम लोगों को पढ़ना है बच्चों। ये जो एक्सिलरी वर्ड है इसका भी हम लोग बात करेंगे, इसमें ढेर सारा एक्सिलरी वर्ड जो है ये ढेर सारे चीज में कन्वर्ट हो सकता है, एक्सिलरी वर्ड ढेर सारे चीज में कन्वर्ट हो सकता है, किसमें हो सकता है, तो इसी से ब्रांच निकल के आ जाता है, ब्रांच में हो सकता है, टेंड्रिल एक्सिलरी वर्ड से आता है, फ्लावर की हम लोग बात करेंगे वो भी निकल सकता है, थॉर्न सब की जो हम लोग बात करते हैं ये भी एक्सिलरी वर्ड से निकल के आ जाता है। तो रियल में ये मेरिस्टमेटिक रीजन होता है, ये जो होता है यहाँ पे ये मेरिस्टमेटिक रीजन है, और इससे ढेर सारा चीज निकल के आ सकता है। तो यही हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, स्टेम के बारे में, स्टेम के बारे में। तो स्टेम का जो अगर टेक्स्ट देखो तो क्या लिखा है, स्टेम इज द असेंडिंग पार्ट ऑफ एक्सिस बियरिंग, क्या बोला, असेंडिंग एक्सिस का ये क्या है, असेंडिंग पार्ट है, और ये क्या रखे हुए है, बियरिंग ब्रांचेज है, लीव्स है, फ्लावर हो सकता है और फ्रूट्स हो सकता है। किससे डेवलप करेगा, तो प्लूमूल से डेवलप करेगा, प्लूमूल ऑफ एम्ब्रायो से ये जर्मिनेट करेगा। क्या प्रेजेंट होगा, पहचान क्या है, तो नोड और इंटर नोड का होना। नहीं, स्टेम का वो रीजन जहां से लीफ निकल के आता है जनरली क्या होता है, वो नोड नहीं, जबकि इंटर नोड की जो बात करते हैं दो नोड के बीच का पोर्शन होता है बच्चों। नहीं, स्टेम जो होता है बियर करता है बड, और जो कि टर्मिनल जो उसका हो जाता है, टर्मिनेट कर जाता है, या हम लोग जो बात कर रहे हैं एक्सिलरी बोल देते हैं, और मैंने बताया एक्सिलरी बड का या ब्रांचेज का ढेर सारा चीज बन सकता है उससे, उसी से ब्रांच, टेंड्रिल, फ्लावर, थ्रॉन ये सब बनने का काम होता है। एक फिगर है स्टेम से रिलेटेड ही, ये आप देखो सेम वही फिगर है जो मैं बना रखा है। नहीं, ये फिगर को अगर गौर से देखो तो यहां अगर मैं एक लाइन खींच दूं तो यही सॉइल है, और सॉइल से नीचे की अगर बात करेंगे तो इस तरह से इसका रूट निकला हुआ होगा, और इससे ऊपर टोटल क्या है, सूट सिस्टम है, और इसी में ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है ये नोडल रीजन है, ये सब नोडल रीजन आपको दिख रहा है, ये सब क्या है, नोडल रीजन है, और यही नोडल से ब्रांचेज भी आपको दिख रहा होगा, और दो नोड के बीच का ये वाला पार्ट इंटर नोड, ये वाला पार्ट इंटर नोड है। नहीं, लीफ जो निकल के आएगा तो इसी नोडल रीजन से लीफ निकल के आएगा, या ब्रांचेज की हम लोग बात करते हैं बच्चों, लीफ या ब्रांचेज की जो बात करते हैं इसी से निकल के आएगा। तो पहला बात जो हम लोग किए ये क्या बात की हम लोग, स्ट्रक्चर, किसका स्ट्रक्चर के बारे में बात की हम लोग, स्टेम का, स्टेम के स्ट्रक्चर से रिलेटेड बात की। थोड़ा बात करना है अब मॉडिफिकेशन से रिलेटेड, स्टेम का मॉडिफिकेशन। तो बच्चों इसका ढेर सारा मॉडिफिकेशन है, स्टेम के मॉडिफिकेशन से रिलेटेड मैं बात करूं तो मैं एक नीचे की ओर लाइन खींच लेता हूं स्टेम मॉडिफिकेशन का यहां पे, और मैं यहीं पे लिख देता हूं स्टेम का मॉडिफिकेशन। हम लोग किसके बारे में बात करने जा रहे हैं, स्टेम मॉडिफिकेशन। तो मैं फिर से हेडिंग दे देता हूं स्टेम का मॉडिफिकेशन, तो या मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम मॉडिफिकेशन, तो इसका भी ढेर सारा मॉडिफिकेशन होता है बच्चों। अब मॉडिफिकेशन किसके लिए, जैसे यहां पे मॉडिफिकेशन की अगर हम लोग बात करें तो एक होता है अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन, हम लोग क्या बात करते हैं अंडर ग्राउंड, मतलब सॉइल के नीचे चला गया, अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन एक होता है। दूसरा जो हम लोग इसी में बात करते हैं एक होता है सब एरियल और एरियल मॉडिफिकेशन। तो आप कोई भी पहले लिख लो, एरियल लिख लेते हैं हम पहले, एरियल मॉडिफिकेशन।
और एक जो होता है वो हम लोग क्या बात करते हैं बच्चों, सब एरियल मॉडिफिकेशन, क्या बोलेंगे, सब एरियल, सब एरियल एई, तो तीन मॉडिफिकेशन, एक अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन से रिलेटेड हम लोग बात करेंगे, दूसरा एरियल मॉडिफिकेशन से रिलेटेड बात करना है, और तीसरा हम लोग जो बात करेंगे किसके बारे में, सब एरियल मॉडिफिकेशन से रिलेटेड हम लोग बात करेंगे। अब अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन को भी ढेर सारा पार्ट में बांट दिया गया है। अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन जो होता है ना, अंडरग्राउंड सॉइल के अंदर है, तो सॉइल के अंदर एक तरह से छिपा के रखा है, तो फूड को स्टोरेज करने का काम करता है। अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन में जो बात करे क्या करेगा, फूड का स्टोरेज करने का काम करेगा, या जनरली वो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में हेल्प करता है। हम लोग जो अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन की बात कर रहे हैं, या तो वो फूड को स्टोर करेगा, और या नहीं तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन मतलब रिप्रोडक्शन करवाने में हेल्प करता है। तो फूड को स्टोर करना और रिप्रोडक्शन, तो अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन किसके लिए होता है, आप लिख भी सकते हो फॉर किसके लिए बच्चों, तो पहला काम है अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन इसलिए किया क्योंकि वो फूड को स्टोर रख सकता है, बोल सकते हो छिपा के रखता है, और दूसरा रिप्रोडक्शन छिपा के करेगा, तो यहां पे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में एक वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की हम लोग बात करते हैं, इससे भी गेसन, इससे भी अपना नंबर बढ़ाने का काम करता है। तो जनरली जो अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन होता है वो इसी के लिए होता है। अब अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन में क्या क्या है, अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन की जो हम लोग बात करते हैं इसमें क्या क्या आएगा बच्चों, तो अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन में ढेर सारा हम लोग बात करते हैं। जैसे हम लोग एक बात करते हैं ट्यूबर का, जिसको कंद भी बोलते हैं, ट्यूबर को हम लोग क्या बोलते हैं, कंद। राइजोम के बारे में हम लोग इसमें बात करेंगे, जिसको बोला जाता है प्रकंद अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन में। इसी मॉडिफिकेशन में कॉर्न के बारे में हम लोग बात करेंगे, इसी में हम लोग बात करेंगे बल्ब के बारे में, नहीं बल्ब के बारे में बात करेंगे। तो अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन में जो बात कर रहे हैं, तो क्या क्या बताया कि एक ट्यूबर के बारे में बात करेंगे, नहीं ट्यूबर, फिर हम लोग जो बात करेंगे ट्यूबर के बाद राइजोम के बारे में बात करेंगे, कॉर्न के बारे में बात करेंगे, बल्ब के बारे में बात करेंगे, कंद क्या, कंद जैसे आप लोग प्लांट अगर देखे होगे, खासकर मैं बात करूँ तो पोटैटो का प्लांट, पोटैटो का प्लांट आप लोग जरूर देखे होंगे जो खासकर गांव से रिलेटेड है पोटैटो का, तो पोटैटो के अगर प्लांट को देखोगे ना तो ऊपर इस तरह से ये प्लांट निकला हुआ रहेगा, नहीं सारा कुछ इसमें अपना इस तरह से लीफ उफ रहेगा, स्टेम है ये जो है, स्टेम है लेटरल स्टेम, जो थोड़ा सा स्टेम जो होता है नीचे ये जो आया हुआ है बच्चों, तो यही स्टेम लेटरल स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है। रूट तो नीचे चला गया, रूट तो नीचे चला गया, इस तरह से रूट नीचे चला गया, नहीं तो पोटैटो में जो हम लोग बात करते हैं तो ये स्टेम से, स्टेम का लेटरल स्टेम का ये मॉडिफिकेशन होता है इस तरह से, तो स्टेम को अगर निकाल के देखोगे तो इस तरह से स्टेम, तो स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है। आलू तो देखे होगे आप लोग, कोई एक को बाहर निकालो इस तरह से, ये जो पोटैटो है ये क्या हम लोग बात कर रहे हैं, ये क्या है, ये पोटैटो है, पोटैटो की बात कर रहे हैं। तो इसमें पोटैटो में देखोगे इस तरह से डॉट डॉट टाइप का आई स्पॉट सब आपको दिखेगा, इस तरह से रहता है, तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, आई भी बोल देते हैं, आई भी बोल देते हैं, और इसी में देखोगे जहां तहां इस तरह से बॉड निकला हुआ रहता है, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, ऑक्सिलरी बॉड, ये ऑक्सिलरी बॉड है, और ये जो एक्सिलरी बर्ड होता है ये कवर्ड होता है किससे, स्केली लीफ से, कवर्ड विथ स्केली लीफ। तो ये क्या है, पोटैटो किसका मॉडिफिकेशन है, स्टेम का, स्टेम में लेटरल स्टेम जो होता है
लेटरल स्टेम जो होता है आप लिख भी सकते हो, ये क्या है? लेटरल स्टेम। यही लेटरल स्टेम का टिप पार्ट बल्ज हो जाता है या मॉडिफाई कर जाता है, और मॉडिफाई करने के बाद क्या बना देता है? पोटैटो। पोटैटो की जो हम लोग बात करते हैं तो लेटरल स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है बच्चों, और यही क्या बना देता है? पोटैटो की जो हम लोग बात कर रहे हैं तो पोटैटो बनाने का काम करता है। जैसे ये जो हम लोग बात कर रहे हैं अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन में ट्यूबर का, तो इसमें आप देखो ये फिगर जो आप देख रहे हो ये पोटैटो प्लांट का फिगर है। तो इस तरह से ये स्टेम जो है, स्टेम, यही स्टेम इसका मॉडिफाई कर जाता है, और यही जो स्टेम मॉडिफाई कर गया तो यही क्या बनाया? पोटैटो बनाने का काम करता है। पहला बात ये। दूसरा जो हम लोग बात करें इसी में राइजोम का, अंडरग्राउंड स्टेम में दूसरा हम लोग क्या बात करते हैं? राइजोम। तो राइजोम जिसको हम लोग क्या बोले? प्रकंद। राइजोम को ही क्या बोलते हैं? प्रकंद। नहीं तो प्रकंद जो होता है फ्लैसी हॉरिजेंटली ग्राउंड, हॉरिजेंटली पाया जाता है बच्चों, फ्लैसी स्ट्रक्चर होता है और हॉरिजेंटल जाता है, हॉरिजेंटल। वर्टिकल मतलब ऊपर से नीचे, और हॉरिजेंटल मतलब जमीन के साथ साथ। नहीं और जनरली ये क्या होता है? सॉइल के अंदर अंदर चलता रहता है, सॉइल के अंदर अंदर चलता रहता है। और इसका जो एग्जाम्पल है बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल हो जाता है, जैसे जिंजर हो गया, अदरक जिसको आप लोग बोलते हो, टर्मरिक हो गया, नहीं हल्दी जिसको हम लोग बोलते हैं। तो इसका ये एक अच्छा सा एग्जाम्पल है राइजोम जो होता है। राइजोम का बेहतरीन एग्जाम्पल क्या है? तो जिंजर, टर्मरिक, ये राइजोम का अच्छा सा एग्जाम्पल होता है। बच्चों सामने में जो आपको दिख रहा है ये जिंजर, ये किसका दिख रहा है? ये जिंजर का दिख रहा है। जिंजर जो आप लोग देखोगे गौर करके तो यही जिंजर बना हुआ है। आप गौर करके देखो ये इस तरह से जो बना हुआ है, टेढ़ा मेरा स्ट्रक्चर है। कैसे पता चला कि ये स्टेम है? तो स्टेम में नोड और इंटरनोड का मिलना उसका कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स है। इसमें क्या है? नोडल रीजन सब मिलेगा आपको, नोड और इंटरनोड आपको दिख भी रहा होगा, इसमें ढेर सारा नोड और इंटरनोड का मिलना एक कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स होता है स्टेम का। और उसी स्टेम पे स्केली लीफ भी मिल जाएगा। अदरक को आप देखोगे गौर करके, अगर अच्छे से सॉइल से अच्छे से उखाड़ो, उखाड़ा जो जाता है, और उसको साफ पानी से धो दो, अच्छे से धो दो, जेंटल वॉश करो, तो देखोगे स्केल, वहां पे स्केली लीफ मिलता है। स्केली लीफ का मिलना, नहीं ये जो स्टेम है स्केली लीफ उसमें मिलता है बच्चों, स्टेम में। और नीचे की ओर अगर आप गौर करके देखोगे तो वहीं पे नोडल रीजन से इस तरह से एडवेंटिशियस रूट का निकलना, सॉइल है, सॉइल के अंदर रहता है, तो ये इस तरह से नोडल रीजन से क्या होगा कि रूट का निकलना, जो आप बोलते हो डारी का निकलना, डारी लाइक रूट, एडवेंटिशियस रूट। ये कैसा रूट होगा? एडवेंटिशियस रूट का निकलना जो होता है। तो ये राइजोम में आता है, ये अंडरग्राउंड स्टेम का ही मॉडिफिकेशन है। नहीं तो राइजोम में आता है हल्दी, ये वाला टर्मरिक जिसको हम लोग बोलते हैं, तो टर्मरिक हल्दी का ये प्लांट आपको दिख रहा होगा, सेम उसी तरह से इसका मॉडिफिकेशन हो जाता है। दूसरा हम लोग जो बात करें कॉर्म, कॉर्म, कॉर्म की जो बात करें, कॉर्म क्या होता है? कॉर्म जो हम लोग बात करते हैं बच्चों, ये कंडेंस स्ट्रक्चर होता है और ग्रो करता है वर्टिकली अंडर द सॉइल सरफेस। हॉरिजेंटल ग्रो किया था तो क्या बोले? राइजोम। और जो वर्टिकल ग्रो करेगा, जो नीचे की ओर ग्रो कर रहा है, वर्टिकली ग्रो करता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉर्म। नहीं तो ये वर्टिकल ग्रो करता है। इसका अच्छा सा एग्जाम्पल है सामने में जो दिख रहा है, कोलकेशिया। ये क्या है? कोलकेशिया, या इसका और भी एग्जाम्पल है एल्कोसिया, कोलकेशिया, एल्कोसिया, ये सब जो होता है, तो ये कोलकेशिया का ही प्लांट है। आप देख के पहचान सकते हो ये प्लांट, केचू का जो प्लांट होता है, हम लोग अरबी ये सब भी बोलते हैं हम लोग इसको। नहीं तो ये कोलकेशिया का प्लांट है बच्चों। उसी तरह से हम लोग बात करें एल्कोसिया का, तो एल्कोसिया भी यही है, केचू का ही, अलग अलग वेराइटी केचू का होता है, गांव सब में केचू हम लोग बोलते हैं इसको। और इसका जो रूट निकल के आता है, जो इसको अरबी सब हम लोग बोलते हैं, तो कोलकेशिया एल्कोसिया जो होता है कॉर्म का अच्छा सा एग्जाम्पल है। और ये वर्टिकली ग्रो करता है, ये क्या होता है? वर्टिकल ग्रो करता है। तो मैंने क्या बोला कि ट्यूबर स्टेम का मॉडिफिकेशन है, नहीं एक्सिलरी बड जो होता है वही मॉडिफाई कर जाता है। बेस्ट एग्जाम्पल आलू, आप लोग आलू तो देखे ही है। राइजोम हॉरिजेंटल ग्रो करता है,
हॉरिजेंटल ग्रो करता है, तो उसमें टर्मरिक आ गया, जिंजर आ गया, ये राइजोम का एग्जाम्पल था। कॉर्न में हम लोग जो बात करते हैं, कॉलकेसिया या अलोकेसिया जो हम लोग बोलते हैं, या हम लोग जो अरबी बोलते हैं, अरबी वो केचू का जो नीचे का जो स्टेम होता है मॉडिफाई करके जो बनाता है, तो ये क्या हो जाता है बच्चों, कॉर्न हम लोग बोलते हैं। अगला क्या है, बल्ब। अगला क्या है, बल्ब। तो बल्ब की जो हम लोग बात करें, तो बल्ब का ये अच्छा सा एग्जाम्पल है। बल्ब जो होता है ना, एसटीएम होता है, लेकिन वो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, और वो उसमें ढेर सारा फ्लैसी स्केली लीफ सब प्रेजेंट रहता है बच्चों, और इवन रूट सब भी निकल के आता है। जैसे प्याज की जो हम लोग बात करें, बल्ब का एक अच्छा सा एग्जाम्पल क्या है, प्याज। ये जो सामने में आपको दिख रहा है, ये ऑनियन है, प्याज है। जो प्याज को अगर आप देखोगे और इसका काट दो सेक्शन वर्टिकली अगर काटे, तो ये इस तरह से आपको प्याज दिख रहा है। यहाँ पे जो दिख रहा है ये क्या दिख रहा है, ये प्याज है। लेकिन ध्यान रहे, प्याज का ये पार्ट डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बनाता है ये, और यही स्टेम है। प्याज का जो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर मैं ऐसा करता हूँ, कलर चेंज करके बनाता हूँ, ये स्टेम है, ये स्टेम होता है बच्चों, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर जो बनता है जो कॉर्म का, तो ये स्टेम है डिस्क लाइक स्ट्रक्चर जो बना है। और प्लस इसी स्टेम से ढेर सारा एडवेंटिशियस रूट इस तरह से निकल के जो आया है, ये रूट है। तो प्याज का जो ये वाला पार्ट है ऊपर वाला, नॉर्मली जो फ्लैसी पार्ट होता है जो हम लोग खाते हैं, तो वो लीफ होता है, वो फ्लैसी लीफ है। तो जब लीफ पढ़ाऊंगा ना, उसमें मैं इसके डिटेल करूंगा, फिर वो लीफ में हम लोग बात करेंगे। फ्लैसी लीफ खाते हैं हम लोग प्याज का, और जो ब्लैक वाला पार्ट ये है, यही स्टेम है। ये क्या हो गया, ये स्टेम, कंडेंस स्टेम हम लोग इसको बोल देते हैं। ये स्टेम जो है, ये कैसा स्टेम होगा, ये कंडेंस स्टेम होता है बच्चों। प्याज की जो हम लोग बात करते हैं, ये स्टेम कंडेंस है, नहीं तो कंडेंस स्टेम, ये कंडेंस स्टेम है। हम लोग किसका खाते हैं, प्याज का कौन सा पार्ट खाते हैं, तो लीफ को खाने का काम करते हैं ऑनियन। इसी तरह से गार्लिक का भी जो हम लोग बात करें, तो गार्लिक में भी यहाँ पे क्या हो जाता है, ये कंडेंस स्टेम होता है, ये कंडेंस स्टेम होता है, ये भी कंडेंस यहाँ पे स्टेम होता है, और उससे रूट निकला हुआ है बच्चों। तो ये सब जो है, ये किसका मॉडिफिकेशन हो गया, तो अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन बताया मैं आपको, क्या बताया, अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन से रिलेटेड बात, स्टीम का मॉडिफिकेशन। और स्टीम के मॉडिफिकेशन में कौन सा पार्ट, सब एरियल मॉडिफिकेशन। स्टीम का पार्ट फर्स्ट में मैं अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन के बारे में बात किया, और अभी मैं पार्ट सेकेंड के बारे में बात करने जा रहा हूँ, जो कि क्या है, सब एरियल मॉडिफिकेशन से रिलेटेड बात। बच्चों ये जो सब एरियल मॉडिफिकेशन है, ये नॉर्मली जो किया जाता है, तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के लिए, ये किसके लिए करेगा, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के लिए। तो आप लिख सकते हो ये फोर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के लिए सबेरियल मॉडिफिकेशन किया जाता है। तो हम लोग सबेरियल मॉडिफिकेशन की बात कर रहे हैं, ये किसके लिए करेगा, ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से रिलेटेड बात करेगा सबेरियल मॉडिफिकेशन। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो करेगा, तो ये इसका ढेर सारा टाइप्स होता है सबेरियल मॉडिफिकेशन का। जैसे एक पहला बात करूँ तो रनर, हम लोग क्या बोलते हैं, रनर होता है इसी में। दूसरा जो टाइप के बारे में बात करेंगे, तो स्टॉल है, नहीं, तीसरा जो टाइप के बारे में हम लोग इसी में बात करेंगे, सकर। और जो चौथा टाइप के बारे में हम लोग इसमें बात करेंगे, ऑफसेट। चार टाइप, वैसे तो होता और भी है, लेकिन हमारा एनसीईआरटी यही चार के बारे में बात किया है, रनर, स्टोलेन, ऑफसेट और सकर, इसके इससे रिलेटेड हम लोग बात करेंगे। अब रनर जो होता है, रनर, तो एक एक करके बारी बारी से हम लोग बात करते हैं बच्चों। तो रनर के बारे में अब हम लोग डिटेल बात देखते हैं। तो रनर के बारे में जो हम लोग देखेंगे, कैसा होता है रनर, रनर जो होता है कैसा होता है, तो होता क्या है, जैसे ये सॉइल है, और मान लो ये प्लांट है, ये कोई प्लांट है, इसका अपना रूप निकला हुआ है। यही प्लांट जमीन से सटा सटा इसका ब्रांचेज आगे जाता है, और जहाँ जाता है वहाँ पे पहले रूट बनाएगा, और वहीं से सूट का निकल कर आ जाना, फिर ये आगे जाएगा। इसका नोडल रीजन जैसे पतला दुबला सा होता है तो कमज़ोर होता है, वो जैसे सॉइल में सटेगा, और जहाँ सॉइल में सटेगा तो वो क्या होगा कि वो नोडल रीजन से एडवेंटिशियस रूट निकल जाएगा,
और ये नया इस तरह से प्लांट बनता चला जाएगा, नहीं और फिर इसी तरह से ये आगे बढ़ता चला जाएगा, जैसे लग रहा है जमीन पे ये लेटा लेटा आगे बढ़ रहा है, नहीं सोया सोया आगे बढ़ रहा है, दौड़ते हुए आगे बढ़ रहा है। ये क्या हो गया, जमीन पे दौड़ते हुए आगे बढ़ जाता है। और यहाँ पे लोअर साइड जहां भी है वहां पे क्या हो जाएगा कि रूट डेवलप कर जाएगा, जो अपर साइड है वही सूट में डेवलप हो जाता है। इस तरह का जो एग्जाम्पल होता है, ये एग्जाम्पल इसका अगर हम लोग बात करें रनर का, तो हम लोग किसका एग्जाम्पल देते हैं रनर में, ग्रास। ग्रास आप लोग देखे होंगे, एकदम जमीन से सटा सटा चलता है, हम लोग जो ग्रास की बात करते हैं, नहीं तो ग्रास इसी में एग्जाम्पल में आता है। वैसे ग्रास को हम लोग यहाँ पे कॉन्डोन डेक्टाइलॉन भी बोल देते हैं, इसको हम लोग अगर बॉटनिकल नेम लिखे तो क्या लिखेंगे, डॉन डेक्टाइलॉन, नहीं यहाँ पे ए है, ये ठीक से लिख देता हूँ, डेक्टाइलॉन, कॉन्डोन डेक्टाइलॉन जो है ये ग्रास को ही हम लोग बोलते हैं बच्चों। तो ग्रास तो ग्रास किसका रनर में एग्जाम्पल है। उसके बाद जो अगला हम लोग बात करेंगे एस्टोलन, रनर के बाद जो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं किसका, एस्टोलन। अच्छा है, ग्रास को आप लोग देख लो, यही ग्रास है कॉन्डोन डेक्टाइलॉन जो हम लोग बात कर रहे थे ग्रास का, तो वो यही ग्रास आपके सामने जो दिख रहा है, नहीं ये ग्रास जो आपको दिख रहा है इसी में क्या दिखेगा, यही आगे जो ऊपर की ओर इस तरह से निकला हुआ है, यही नीचे से रूट निकला हुआ निकलेगा नोडल रीजन से ये, और ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करवाने में हेल्प करता है, यही आगे बढ़ता चला जाएगा इस तरह से। नेक्स्ट हम लोग बात करें एस्टोलन, तो एस्टोलन ये है सामने में जो आपको दिख रहा है ये फिगर, ये किसका एस्टोलन का, ये जो फोटो है इसका जो ब्रांच होता है वो छोटा होता है, एस्टोलन का जो ब्रांच होता है वो छोटा होता है, और स्टेम जो होता है इसका कंडेंस हो जाता है। खास बात है ये ऑल डायरेक्शन में ग्रो करने का काम करता है, नहीं और यहां पे जो ये ग्रो करता है इसका एपिकल रीजन क्या होता है, सॉइल से बाहर आ जाता है। जैसे मैं अगर आपको बनाऊं, एस्टोलन को हिंदी में भू स्तरीय भी बोलते हैं, इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, भू स्तरीय, भू स्तरीय भी बोलते हैं। तो एस्टोलन को अगर मैं यहाँ पे फिगर ऐसे तो दिया हुआ है, लेकिन मैं एक आपको एस्टोलन दिखाता हूँ बना के, यहाँ पे अगर एस्टोलन को हम लोग जो बात कर रहे हैं किसका, एस्टोलन, एस्टोलन जो है इसका, तो इसमें जस्ट लाइक रनर की तरह ही होता है, होता तो उसी की तरह है, लेकिन इसका स्टेम थोड़ा छोटा होता है, इसका स्टेम छोटा होता है, और ये जो आगे ये जो सॉइल है यहाँ पे ग्रो करेगा उसी तरह से ये प्लांट ग्रो कर गया। ये जो प्लांट ग्रो करता है ना, तो खास बात है कि मदर प्लांट से इसका कनेक्शन टूट जाता है, इसमें कनेक्शन टूट जाता है, और फिर आगे गया, फिर आगे ग्रो कर जाएगा, फिर नेक्स्ट ये फिर आगे जब इसका ग्रो करेगा तो इस तरह से, तो मदर प्लांट से फिर इसका भी क्या होगा, कनेक्शन टूटता जाएगा, मतलब सब जुड़ा हुआ नहीं रहता, यहाँ पे ये कनेक्शन टूटता चला जाता है, एस्टोलन नहीं, तो यहाँ पे कनेक्शन क्या हो जाएगा कि टूटता चला जाता है। एस्टोलन मतलब चोरी भी होता है, चोरी नहीं, अब चोर चोरी किया तो चोरी जो करेगा तो वो अपना क्या करेगा, पीछे का चीज पदचिन्ह को मिटाता चला जाएगा, ऐसा चोरी करेगा कि किसी को पता ना चले, तो जो भी चीज है वो कंटिन्यूअस लेके जाएगा नहीं, उसको क्या करेगा पीछे का चीज मिटाता चला जाएगा। तो वही चीज है आपको याद रखने का तरीका है, जो मदर प्लांट है, मदर प्लांट से जैसे बेबी प्लांट बनता है तो मदर प्लांट को खत्म, मदर प्लांट से वो कनेक्शन तोड़ता चला जाता है ताकि उसका पता लगाया ना जा सके, तो चोरी करने का काम। अब चोर चोरी क्या करेगा, तो कुछ अच्छा चीज होगा वही चोरी करेगा, तो इसका एग्जाम्पल याद रखने का तरीका है, इसका एग्जाम्पल की जो बात करें, नहीं तो खुशबू वाला पौधा, जो भी खुशबू वाला पौधा होता है जनरली इसी में आता है, जो हम लोग बात करते हैं खुशबू वाला पौधा सब, तो वो इसी में आता है। जैसे खुशबू वाला पौधा में क्या आता है, जैस्मिन खुशबू देता है, नहीं फ्रेग्रेंस देने का काम, फ्रेगेरिया, तो जैस्मिन फ्रेगेरिया ये किस में आ जाता है बच्चों, ये सब एस्टोलन में आता है, ये सब हम लोग जो बात करते हैं ये किस में आता है, एस्टोलन में आता है। वैसे तो एस्टोलन का और भी एग्जांपल सब होता है, ये फिगर जो आपको दिख रहा है तो ये किसका, जैस्मिन और फ्रेगेरिया का ही फोटो, ये इस तरह से दिख रहा होगा, और यही कंटिन्यूअस आगे बढ़ता चला जाता है, और ये सब क्या है,
यहाँ पे जो आप लोग देख रहे हो छोटा छोटा प्लांट, ये सब डॉटर प्लांट है, ये भी डॉटर प्लांट है, नहीं तो ये सब डॉटर प्लांट है। तो इस तरह से ये डॉटर प्लांट सब हो जाता है। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो। एक चीज इसमें और है कि जनरली रनर में जो हम लोग बात किए रनर, तो रनर सॉइल के ऊपर ऊपर चलता है, और एस्टोलेन थोड़ा आपको कि सॉइल को एकदम पकड़ पकड़ के चलता है, या सॉइल के थोड़ा बहुत अंदर भी चलता है। एस्टोलेन की जो हम लोग बात करते हैं छिप छिप के चलता है, चुरा के चल रहा है, नहीं क्या चुराया तो जैस्मिन फ्रेगेरिया ये सब जो है खुशबू वाला प्लांट, तो उसको क्या कर जाता है ये चुराने का काम करता है। शकर के बारे में बात करता है नेक्स्ट, जो हम लोग बात करेंगे किसका, शकर। तो बच्चों शकर के बारे में बात करें तो शकर जो होता है इसका मेन स्टेम ग्रो होता है सॉइल, लेकिन रेंसिस डेवलप फ्रॉम नोड एबव द सॉइल। तो इसका अच्छा सा एग्जांपल आपको दिख रहा होगा मिंट, पुदीना जिसको हम लोग बोलते हैं। मैं जैसे इसको बताता हूँ कि कैसे ये ग्रो करेगा, मैं वही रनर सकर के तरह ही होता है, बस अंतर क्या है कि जैसे ये सॉइल है, आपको ये सॉइल है और यहाँ पे कोई प्लांट आप बना दो, ये एक प्लांट है। ये जो ग्रो करता है ना, इसमें खास बात है कि ऑब्लिक, यहाँ से ऑब्लिकली ये ग्रो करता है ऊपर की ओर गया, तो ये ऑब्लिकली जो जाता है थोड़ा ठीक से हम बनाते हैं इसको ऑब्लिक, और यही ग्रो कर जाता है, नहीं फिर इस तरह से ये ग्रो करेगा, फिर आगे बढ़ेगा, फिर यहाँ से ऑब्लिकली ग्रो कर जाएगा, नहीं और फिर यहाँ रूट बनाएगा, फिर यहाँ ऑब्लिकली, मतलब आपको याद रखना ये ऑब्लिक ग्रो करने का काम करता है। कौन, सकर। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, सकर का बात कर रहे हैं बच्चों। तो सकर ये हो गया, ऑब्लिकली ग्रो कर रहा है, और पक्का है कि नोडल रीजन से ही ग्रो करेगा। कहाँ से कर रहा है, ये नोडल रीजन से ग्रो करेगा, तो नोडल रीजन से ही ग्रो करने का काम करता है। इसको इसका एग्जाम्पल जो है, इसका एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल की जो बात करें, जैसे पाइन एप्पल आता है, पाइन एप्पल इसी में आता है। दूसरा एग्जाम्पल की अगर बात करें तो क्रिसेंथियम इसी में आता है। बनाना, बनाना की जो बात करते हैं ये भी इसी में आता है। तो बच्चों शक्कर है, शक्कर आपकी लाइफ को शक करके रखा है। एग्जाम्पल याद रखने का तरीका है, आपकी लाइफ को शक करके रखा है। तो कौन, तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, तो पी फोर फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी की जो बात करते हैं, तो पी फोर क्या हम लोग बोलेंगे, पाइन एप्पल, नहीं केमिस्ट्री, क्रिसेंथम जो हम लोग बात करते हैं वो, और बनाना, ये सब किस में आता है, शक्कर में, ये सब किस में है, शक्कर में, नहीं तो शक्कर में, जैसे मिंट भी आता है, मिंट भी शक्कर का ही एग्जाम्पल है। अगला एग्जाम्पल के बारे में हम लोग बात करें तो ऑफसेट, ऑफसेट नहीं ऑफसेट जो नेक्स्ट एग्जाम्पल नहीं सॉरी अगला जो हम लोग सब एरियल मॉडिफिकेशन की बात करें तो उसमें हम लोग क्या बात करते हैं बच्चों, ऑफसेट। ऑफसेट जो होता है जनरली एक्वेटिक प्लांट होता है, और जिसका स्टेम फ्रेजाइल होता है, आसानी से टूट जाएगा, उसको तोड़ोगे पट से आवाज भी करता है और टूट जाता है, आसानी से वो टूटने का काम करता है बच्चों। ऑफसेट का अच्छा सा एग्जाम्पल यहाँ पे देखो पिस्टिया, ये पिस्टिया का प्लांट है। अगर आप लोग गांव से रिलेटेड हो गए तो तालाब उलाब में ये पिस्टिया आ जाता है, नहीं पिस्टिया आ जाता है ऑफसेट की जो हम लोग बात कर रहे हैं। इसी का एक और बेहतरीन एग्जाम्पल है ये जो आपको दिख रहा है, ये क्या है, ये कॉर्निया, हम लोग इसको क्या बोलते हैं, ई आई सी एच, ये कॉर्निया प्लांट है बच्चों। वाटर हाइकेंथ भी इसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, वाटर, वाटर हाइकेंथ भी बोलते हैं, नहीं इकॉर्निया या वाटर हाइकेंथ ये इसका एग्जांपल है बच्चों। ये जलकुंभी भी, इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, जलकुंभी, गांव सब में जाओगे तो जलकुंभी, बड़ा गंदा आदत है इसका, जिस भी वाटर बॉडी में डाल दो, जिस भी पौंड में तालाब में आप डाल दो, एक प्लांट को डाल दो, बड़ी तेजी से ग्रो करता है, बहुत ही फास्ट ग्रो करता है, और पूरा तालाब को कवर कर लेगा, पूरा तालाब को कवर कर लेगा। और इसका फ्लावर देखने में बड़ा खूबसूरत लगता है, ये जो व्हाइट और वायलेट कलर का फ्लावर है ये बड़ा खूबसूरत देखने में लगता है। अगर ये पूरा पोंड को ही कवर कर लेगा तो प्रॉब्लम आ जाएगा, प्रॉब्लम क्या होगा कि पोंड को ऊपर से सरफेस कवर कर चुका है तो लाइट को अंदर जाने नहीं देगा, ऊपर में ही रोक लेगा। अब पोंड के नीचे जो बहुत सारा
बहुत सारा एक्वेटिक प्लांट सब ग्रो कर रहा था, वो मरना स्टार्ट कर देगा। एक्वेटिक प्लांट सब क्या होगा, डेड होना स्टार्ट कर देगा बच्चों, पहला कारण, पहला चीज ये। दूसरा बात है, पूरा सरफेस को अगर कवर किए हुए हैं तो वाटर में ऑक्सीजन को डिफ्यूज होने नहीं देगा। दो चीज हो गया, तो दो चीज तो ये कर दिया, तो ये बहुत बड़ा चीज कर चुका है। प्रॉब्लम क्या होगा, नीचे जो एक्वेटिक प्लांट सब डेड किया, एक्वेटिक प्लांट सब डेड किया तो उसको डिग्रेड करने के लिए बैक्टीरिया वहां पे आ जाएगा, और जब डिग्रेड करने के लिए वहां पे बैक्टीरिया आएगा तो वहां का बीओडी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड को क्या करेगा, बढ़वा देगा। बैक्टीरिया सब वहां डिमांड करेंगे ऑक्सीजन को, एक तो ऑक्सीजन डिमांडेड है, बहुत ज्यादा मांग कर रहा है, प्लस ऑक्सीजन डिफ्यूज भी नहीं हो रहा है, यूट्रोफिकेशन करवा देता है वहां पे। और लास्टली जो जलीय जीव जंतु जो होते हैं, खासकर जो मछली उछली की जो हम लोग बात करते हैं, वो क्या होगा बच्चों, मछली सब की जो बात करते हैं वो मारा जाएगा। वो मछली उछली की जो हम लोग बात करेंगे, लास्टली वहां पे क्या हो जाएगा, मारा जाएगा। तो ये जो मछली मर जाएगा तो फिर दिक्कत है, खासकर उन लोगों के लिए जो मछली खाते हैं। बच्चों एक क्वेश्चन यहां से आता है, ट्रेरर ऑफ बंगाल, ट्रेरर ऑफ बंगाल करके एक क्वेश्चन आता है, और ट्रेरर ऑफ बंगाल में इसी का नाम आता है, बोले तो इकॉर्निया या वाटर हाइकेंट बोलते हैं, जो बंगाल के लिए बहुत बड़ा शराब। मतलब क्या कि बंगाली लोग जो होते हैं, आप लोग अगर आप जानते होइएगा तो वो मछली चावल पसंदीदा खाना होता है, वहाँ का भोजन होता है। वो लोग अपने घर के बगल में अगल बगल ही तालाब बना के रखते हैं। आप बंगाल जाओ कभी कभी, ट्रेन से जाओ, प्लेन से जाओगे तो पता नहीं चलेगा, ट्रेन से जाओ तो आपको ढेर सारा तालाब देखने को मिलेगा। अब वो क्या है कि तालाब में मछली पालने का काम कर रहे हैं। मछली इसीलिए पाला जा रहा था कि जब मन करेगा निकालेंगे खाएंगे, और क्या हो गया कि वाटर हाइकेंट या इकॉर्निया के आने के कारण पूरा का पूरा वहां पे मछली को मरवा देता, पूरा का पूरा मछली को मरवा देता। वैसे आपको बता दूं, ये टॉक्सिक सबस्टांस भी सिक्रेट करता है, जो पॉइजन होता है फिश सबके लिए, ट्रांससिनामिक एसिड सबका सिक्रेशन करना स्टार्ट कर देता है। नहीं तो ये टॉक्सिक सबस्टांस का भी सिक्रेशन करता है, और वो सब क्या करेगा कि बहुत सारा फिश को मरवाने का काम करता है बच्चों। बहुत सारा फिश यहाँ पे मर जाता है, एक तो ऑक्सीजन की कमी के कारण, और कुछ टॉक्सिक सबस्टांस सब सिक्रेट करता है जिसके कारण यहाँ पे ये फिश को मरवाने का काम करता है। तो ये सब एरियल मॉडिफिकेशन से रिलेटेड हम लोग बात किए, हम लोग जो अभी बात किए किस्सा, किसका बात किए, सब एरियल मॉडिफिकेशन से रिलेटेड बात किए बच्चों। तो बच्चों एरियल मॉडिफिकेशन हम लोग जो आज बात करने जा रहे हैं, क्या एरियल मॉडिफिकेशन, आज के सेशन में जो हम लोग बात करेंगे मॉडिफिकेशन में ही, स्टेम का मॉडिफिकेशन में कैसा है, एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम से रिलेटेड बात करेंगे बच्चों। एरियल मॉडिफिकेशन की जो हम लोग बात करें, आपको बता दूं एरियल मॉडिफिकेशन में, मैं यहाँ लिखता भी हूँ, हम लोग किसकी बात करने जा रहे हैं, एरियल मॉडिफिकेशन, किसका एरियल मॉडिफिकेशन भाई, तो स्टेम का। जो मॉर्फोलॉजी बहुत ही आसान टॉपिक होता है, एरियल मॉडिफिकेशन की हम लोग बात कर रहे हैं, तो एरियल मॉडिफिकेशन जो स्टेम का हम लोग बात करेंगे, तो इसमें हम लोग क्या क्या बात करेंगे, तो पहला स्टेम टेंड्रिल का, दूसरा जो हम लोग इसी में बात करेंगे स्टेम का, सारा तो स्टेम है, क्रोन का, तीसरा जो हम लोग इसी में बात करेंगे फाइलोक्लेड के बारे में, और चौथा जो बात करेंगे क्लेडोड के बारे में। ये सब किसका है, एरियल मॉडिफिकेशन है, ये सब किसका है, एरियल मॉडिफिकेशन स्टेम का है बच्चों, स्टेम टेंड्रिल। अगर आप लोग गौर किए होंगे, ये अगर स्टेम है, नहीं ये मैं ऐसा करता हूँ, इस तरह से बना देता हूँ, ये स्टेम है, इसमें नोडल लीजन इस तरह से होता है, और यही नोडल लीजन से आपको अच्छे से पता है कि कहीं से लीफ उफ निकल के आएगा। लेकिन इसी में इसका जो यहाँ पे ऑक्सलरी जो था वही मॉडिफाई कर जाता है टेंड्रिल में, तो इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, स्टेम टेंड्रिल, इसी को क्या बोला जाता है, टेंड्रिल, स्टेम टेंड्रिल। स्टेम टेंड्रिल में कौन सा आता है,
स्टेन टेंड्रिल में का जो अगर एग्जाम्पल के बारे में हम लोग बात करें बच्चों, एग्जाम्पल तो स्टेन टेंड्रिल में जो कद्दू वाला जो फैमिली होता है, गॉड फैमिली जो हम लोग बोलते हैं, ये गॉड क्या, तो लौकी बोला जाता है, लौकी, लौकी का जो फैमिली का प्लांट है उसमें स्टेम टेंड्रिल का मॉडिफिकेशन आपको देखने को मिलता है। और इसमें कौन कौन सा आएगा बच्चों, कुकुरबीटा, ये सॉरी कुकुम्बर, कुकुम्बर किसको बोलते हैं, खीरा। नेक्स्ट बिटर गॉर्ड, इसी को इसको क्या बोलते हैं, करेला, ये करेला है। नहीं नाम देखो इंग्लिश में क्या अजीब सा है। और यहाँ पे देखो वाटर, ये तो आप लोग जानते ही होंगे, वाटर मिलन, तरबूज, नहीं ये सब में जो है क्या होता है, जो स्टीम यहाँ पे जो हम लोग बात करते हैं उसका टेंड्रिल, स्टीम टेंड्रिल आपको देखने को मिलेगा, ये मॉडिफिकेशन है स्टीम का, एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टीम में ये आता है बच्चों। नेक्स्ट जो हम लोग बात करें थ्रोन के बारे में, तो इसका भी मैं फिगर अगर बनाऊँ यहाँ, तो ये मान लो इस तरह से है और ये स्टीम निकला हुआ है, फिर वही नोड इंटर नोड, नोड इंटर नोड यहाँ पे रहेगा, और यहाँ नोडल लिजन से अगर लीफ निकला है तो बहुत सारे केस में आपको इस तरह से थ्रोन देखने को मिलेगा, कांटा लाइक एकदम पतला सा। खासकर इसका जो एग्जाम्पल के बारे में बात करें, एग्जाम्पल इसका, इसका एग्जाम्पल में क्या आएगा बच्चों, थ्रोन बोगेनविलिया या सेट्रस, नींबू का प्लांट देखे हो, नींबू का, टाभा का, ये सब का प्लांट देखना, उसमें थ्रोन निकला रहता है प्रोटेक्शन के लिए, ये प्रोटेक्ट करने का काम करता है कि कोई भी आएगा जानवर उसको खा जाएगा तो कांटा रहेगा, तो खाने से या छूने से भी डरेगा। नींबू के प्लांट में लोग अचानक से हाथ डाल दें तो हाथ पूरा घायल हो जाएगा, पूरा ब्लीडिंग हो जाएगा, इतना ज़्यादा थ्रोन और इतना पॉइंटेड होता है। तो ये किसका मॉडिफिकेशन हो गया, ये स्टेम का मॉडिफिकेशन है, ये उसका जो ऑक्सिलरी बॉड था वही मॉडिफाई हो जाता है, ऑक्सिलरी बॉड का ही मॉडिफिकेशन है, ये जो टेंड्रिल है ये किससे मॉडिफाई किया है, एक्सिलरी बॉड्स या थ्रोन भी ऑक्सिलरी बॉड का ही मॉडिफिकेशन। अब जो फाइलोक्लेड है, फाइलोक्लेड, फाइलोक्लेड जो है इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं। यहाँ फाइलोक्लेड की जो बात करें तो फाइलोक्लेड जैसे आप लोग कैक्टस ये सब देखे होंगे, फाइलोक्लेड में क्या होता है, जैसे कैक्टस ये सब में कांटा रहता है, नहीं इसके लीफ पे, रियल में वो लीफ नहीं है, हम लोग बोल देते हैं लीफ पे, नहीं ये जो कांटा है यही इसका लीफ है, और जो आपको देखने को मिल रहा है लीफ की तरह वो रियल में स्टेम मॉडिफाई होता है। लेकिन यहाँ पे जो हम लोग है स्टेम जो कांटा है वो स्टेम का ही क्या होगा, फाइलोक्लेड में हम स्टेम की मॉडिफिकेशन की बात कर रहे हैं, ये जो कांटा बन गया है मॉडिफाई हो जाता है, और जो उसका स्टेम है स्टेम लीफ की तरह मॉडिफाई हो जाता है और वो फोटोसिंथेसिस करने का काम करता है। ऐसा इसलिए भी है कि होता क्या है कि जो अगर लीफ रहेगा यहाँ पे तो उसमें एस्टोमाटा ये सब मिलेगा, और एस्टोमाटा मिलेगा तो वहाँ पे क्या होगा, वेपोराइजेशन बोले तो ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन होता चला जाएगा और वो अल्टीमेटली क्या करेगा, मरवा देगा प्लांट को, क्योंकि ये जो फाइलोक्लेडी सब मिलता है कहाँ पे मिलता है, तो डेजर्ट में मिलता है बच्चों। फाइलोक्लेडी सब की जो बात करें ये डेजर्ट प्लांट से रिलेटेड हम लोग बात करते हैं, नहीं तो फाइलोक्लेड, तो फाइलोक्लेड और क्लेडोड, क्लेडोड भी उसी का मॉडिफिकेशन, टाइप्स ऑफ फाइलोक्लेट्स में ही आता है ये, क्लेडोड क्या है, टाइप्स ऑफ फाइलोक्लेट्स में ही आता है, क्लेडोड कुछ और नहीं है, टाइप्स ऑफ फाइलोक्लेट्स आप यहां पे लिख सकते हो, क्लेडोड क्या है तो टाइप्स ऑफ फाइलोक्लेट इसी में आता है, इसी का टाइप्स में। लेकिन इसमें क्या है, यहां पे पूरा प्लांट मॉडिफाई नहीं करता है, एकाध पार्ट मॉडिफाई करता है, जैसे अगर आप इस तरह से इसका बना लो इस तरह से नोड और इंटर नोड वाला रीजन, तो किसी एक वाला रीजन जो है वो मॉडिफाई करेगा, किसी एक रीजन मॉडिफाई करेगा किसके लिए, तो फॉर फोटोसिंथेसिस के लिए है स्टेम, लेकिन ऐसा मॉडिफाई कर जाएगा कि लगेगा लीफ की तरह, फोटो सिंथेसिस के लिए मॉडिफाई करता है, ऐसा लगेगा कि आपको फोटोसिंथेसिस के लिए मॉडिफाई कर रहा है फाइलोक्लेड।
एक टर्म और आता है जो कि इसमें पढ़ना तो नहीं है लेकिन नोट करके आपको जानना चाहिए, फाइलोड। फाइलोड में क्या हो जाता है, फाइलोड में क्या हो जाता है, नहीं तो फाइलोड जो होता है यहां पे जैसे हम फिगर बनाए तो इसमें जो लीफ का ये डंठल होता है जिसको पेट्रियोल बोलते हैं बच्चों, ये पेट्रियोल जो है यही पेट्रियोल मॉडिफाई कर जाता है। यही पेट्रियोल क्या करेगा, ये पेट्रियोल जो था यही पेट्रियोल मॉडिफाई करके इस तरह से लीफ लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है। पेट्रियोल है ये पेट्रियोल, और इसके आगे जो लीफ था लीफ, तो वो लीफ जो हो जाता है रिड्यूस हो जाता है, लीफ अपने आप को छोटा कर लेता है, ये हो जाता है रिड्यूस। ये लीफ क्या हो गया, ये क्या था, लीफ था तो लीफ अपने को छोटा कर लिया रिड्यूस, जबकि ये क्या था, ये पेट्रियोल था, और यही पेट्रियोल मॉडिफाई हो जाता है, पेट्रियोल मॉडिफाई हो जाता है इनटू लीफ, लीफ में मॉडिफाई कर जाता है। और पक्का है जब लीफ में मॉडिफाई करेगा तो ये क्या करेगा, फोटो सिंथेसिस यही करने का काम करेगा, फोटो सिंथेसिस यही करने का काम करेगा। नहीं तो आप इसको बोल सकते हो कि यहाँ पे जो फाइलोड, यहाँ पे जो हम लोग बात करते हैं फाइलोड के बारे में, तो फाइलोड क्या है, ए विंग, ए विंग्ड लीफ स्टॉल्क विच फंक्शन किसके तरह, एज अ लीफ, तो फाइलोड बन गया। तो पेट्रियोल को पीट पीट के मॉडिफाई कर देता है, चौला बना दिया, लीफ के तरह स्ट्रक्चर बना देता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फाइलोड। तो तीन टर्म है, फाइलोड है, दूसरा क्लेडोड है और फाइलोक्लेड है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, फाइलोक्लेड पूरा पूरा वहाँ पे क्या होगा कि स्टेम मॉडिफाई कर जाता है फोटोसिंथेसिस के लिए। फाइलोड जो बोलते हैं तो पार्ट ऑफ स्टेम मॉडिफाई करता है, पूरा नहीं करता है मॉडिफाई, और यहाँ पे तो लीफ का जो पार्ट है पेट्रियोल, पेट्रियोल मॉडिफाई कर जाता है बच्चों, पेट्रियोल क्या करता है, मॉडिफाई कर जाता है। तो बच्चों ये एसटीएम पूरा खत्म हो गया हम लोगों का, जो अगले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे वो लीफ से रिलेटेड बात करेंगे नेक्स्ट सेशन में। नहीं बच्चों अगर आप लोगों को ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन चाहिए लाइव क्लास का, तो आप लोग लाइव क्लास का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो, उसके लिए अच्छे से पढ़ने के लिए लाइव क्लास में आपको 8986269379 पे आपको कॉल करना पड़ेगा। और फी भी एकदम जेन्युइन है बच्चों, फी जो है एकदम जेन्युइन फी आपको लगेगा, आपको टारगेट के अगर आप हो तो आपका फी 15,000 रुपीज लगेगा 1 ईयर का, और अगर यही आप फाउंडेशन के हो 2 ईयर के हो तो आपका 18,000 रुपीज फी लगेगा बच्चों। अगर आप नोट्स चाहते हो, ऑनलाइन नोट्स चाहते हो कि सर का नोट्स मिल जाए, ऑनलाइन नोट्स मिल जाए, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा वो नोट्स, तो उसके लिए आप इसी नंबर पे, व्हाट्सएप नंबर पे आप संपर्क कर सकते हो, या आप मैसेज कर सकते हो कि सर आपका नोट्स चाहिए, तो नोट्स में मैं आपको जो भेजूंगा तो उसमें QR कोड बना होगा, QR कोड, आप QR कोड को स्कैन करोगे आपके पास नोट्स ऑटोमेटिक आ जाएगा, या आप डाउनलोड करके रख सकते हो। कंप्लीट मेडिकल का नोट्स, नीट के लिए कंप्लीट नोट्स बना हुआ है, अगर आपको चाहिए तो आप इस नंबर पे आ सकते हो बच्चों, और आप मैसेज कर सकते हो। तो तब तक के लिए थैंक यू बच्चों, हम लोग नेक्स्ट सेशन में लीफ के बारे में बात करने जा रहे हैं। थैंक यू।